और सबसे पहले खबर कुल्लू मनाली से, जहां नेशनल हाईवे नंबर 21 पर पहाड़ खिसकने की वजह से मनाली को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं जब ये भूस्खलन हुआ है। रास्ता साफ करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से इसमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसकी वजह से सैलानी बीच में फंस गए हैं। आपको बता दें कि ये टूरिस्ट सीजन होता है और बर्फबारी शुरू होती है और सैलानी काफ़ी संख्या में जाते हैं देखने के लिए, लेकिन फिलहाल जो भूस्खलन हुआ है उसमें अब सैलानी बीच में फंस गए हैं, रास्ते में फंस गए हैं। जो दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब भूस्खलन हुआ, और दिखने में तस्वीरें काफ़ी डरावनी लग रही हैं, लेकिन अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और तस्वीरें ये जो आप देख रहे हैं भूस्खलन के वक्त की तस्वीरें, आनंद पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या खबरें आ रही हैं ताजा वहां से फिलहाल? देखिए कादरनी, जो रास्ता है वो अभी भी बंद है। जो थलौट इलाका है मंडी का, जहां पे हनोगी देवी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं दर्शन के लिए, और यही रास्ता आगे मनाली को निकलता है। तो करीब बता रहे हैं कि 50 मीटर के आसपास जो सड़क है वो टूट गई है, वहां से जो हाईवे है वो टूट गया है, जिसकी वजह से रास्ता जो है बंद हो गया है। दोनों तरफ जो वाहन है उनकी कतार लग गई है, जिसमें स्थानीय गाड़ियां भी हैं, टूरिस्ट भी हैं कई सारे, और अब प्रशासन ये कर रहा है कि जो मनाली जाने वाला रास्ता है उसको डाइवर्ट कर दिया है उन्होंने। लेकिन चूंकि जो डाइवर्जन है वो बहुत छोटा रास्ता है, इसकी वजह से काफी जाम लग गया है। मंडी से आगे का जो रास्ता है उस पर ट्रैफिक बहुत रुक रुक कर चल रहा है। मनाली में इस समय टूरिस्ट का पीक सीजन है, बहुत सारे टूरिस्ट पूरे देश से वहां पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक है हाईवे के ऊपर, और इस घटना की वजह से अब काफी वाहनों की जो है लाइन लग गई है इस मंडी से आगे वाला जो हिस्सा है नेशनल हाईवे 21 का। जहां तक 21 हाईवे पे जो ठीक करने की बात हो रही है, पीडब्ल्यूडी के लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो चट्टान है वो लगातार टूट के गिर रही है, जिसकी वजह से जो मलबा है उसको हटाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, और चूंकि वाहन भी काफी अब हाईवे पे खड़े हो गए हैं जिनको धीरे धीरे हटाने की कोशिश की जा रही है, इसकी वजह से भी जो डंपर है और जो भारी मशीनरी है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। तो कब तक ये ठीक हो पाएगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। फिलहाल स्थिति यह है कि जो NH-21 है मंडी से आगे का हिस्सा वो पूरी तरीके से जाम है, उसको डाइवर्ट किया गया है। जो टूरिस्ट वहां जा रहे हैं वो पूरी तैयारी के साथ जाएं, और जो अपने मैप रूट मैप्स हैं, ड्राइविंग मैप रूट्स हैं, वो अपने साथ जरूर रखें ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे जाम में फंसने से अच्छा है कि वो पहले ही ट्रैफिक डाइवर्जन ले लें ताकि वो सकुशल और सही वक्त पर अपनी डेस्टिनेशन पहुंच पाए मनाली, जहां ज्यादातर लोग जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल रोड ठीक करने की कोशिश की जा रही है ऐसा आनंद बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि जाम वहां पर लगा हुआ है काफी संख्या में, और जो सड़क टूट गई है भूस्खलन के कारण, उसको बनाने के काम के लिए भी वहां पर बड़ी गाड़ियां डंपर वगैरह जाएंगी, तो वो भी वक्त पर पहुंच नहीं पा रही, इसलिए जो लोग वहां पर इस रास्ते पर जा रहे हैं वो पूरी खोज खबर लेकर जाएं कि कहां से डाइवर्जन किया गया है और कहां पर से जाने से वो इस जाम से बच जाएंगे, खराब रास्ते से बच जाएंगे। जहां पर रास्ता बंद है वहां पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।